17 और 18 तारीख को दो दिन नमो टी स्टॉल के माध्यम से हजारों लोगों को चाय पिलाते हुए नमो ऐप को इंस्टॉल करवाते हुए और मोदी सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए देश के प्रवक्ता भाई रोहित जी, प्रदेश के मीडिया प्रभारी हमारे अर्पित सैनी जी और यहाँ के सम्माननीय जिला अध्यक्ष भूपेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व से और प्रदेश के नेतृत्व से जो भी युवा मोर्चा के जिम्मे काम आए हैं, युवा चौपाल के माध्यम से मोदी सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियों को घर घर तक उसका जागरण करना और जिन लोगों को उसका लाभ नहीं प्राप्त हुआ है उसको उनका लाभ प्राप्त करवाना, इस काम को युवा मोर्चा गांव गांव जाकर युवा चौपाल के माध्यम से हजारों लोगों के बीच बैठकर चर्चा कर उन सारी जानकारियों को देने का काम युवा मोर्चा आजकल कर रहा है। दूसरा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से युवा मोर्चा के जिम्मे जो आया है माइक्रो डोनेशन का अभियान, जो पूरे देश भर में और उसी निमित्त हिमाचल प्रदेश में भी वो लाखों लोगों के माध्यम से होना है, उसके लिए भी युवा मोर्चा ने 17 और 18 तारीख को दो दिन नमो टी स्टॉल के माध्यम से हजारों लोगों को चाय पिलाते हुए नमो ऐप को इंस्टॉल करवाते हुए और मोदी सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए साथ ही माइक्रो डोनेशन का काम भी उस दिन हम सिरे चढ़ाने वाले हैं, जिसमें 5 रुपए से लेकर 2000 तक अपने श्रद्धा समर्पण के हिसाब से जिसको जितना लगता है वो समर्पण कर सकता है। और उन नमो टी स्टॉल के लिए भी हमने कुछ स्थान तय किए हैं प्रदेश भर में, उसके संयोजक से संयोजक वो मंडल तक एक चैन और कहां कहां वो नमो टी स्टॉल लगेंगे उसके लिए भी स्थान तय होकर आ चुके हैं, जिसके लिए शैक्षणिक संस्थान जिसमें कॉलेज हो सकता है, कोचिंग सेंटर हो सकते हैं, बहुत बड़े बाजार हो सकते हैं, कोई चौराहा हो सकता है, ऐसे कुछ स्थान तय होकर जो हमारे पास आ गए हैं और जिसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार है और 17 तारीख को और 18 तारीख को दो दिन तय करके पूरे प्रदेश भर में और नमो टी स्टॉल के माध्यम से उपलब्धियों की जानकारी और माइक्रो डोनेशन का काम यह हम पूरे प्रदेश भर में कराने वाले हैं। और आगामी कार्यक्रमों के लिए भी प्रदेश भर में क्या हुआ है और 14-15 महीने की सरकार में युवाओं के साथ किस प्रकार अन्याय हुआ है, कड़कती ठंड में भी युवाओं को सड़कों पर धक्के खाने को मजबूर होना पड़ा है, इसका दोषी कौन है, उसके लिए भी युवाओं के साथ युवा मोर्चा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और समय समय पर युवा मोर्चा सरकार को सजग करता रहा कि युवाओं के साथ आप लोगों ने बहुत बड़ा धोखा किया, अन्याय किया है। यही वो प्रदेश सरकार थी जिसने कहा था हम पहली कैबिनेट में पर साल में 5 साल में हम 5 लाख नौकरियां देंगे, आज वो अपने वादे से मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। अब युवा मोर्चा इन सारे विषयों को लेकर उग्र है, क्या युवाओं के साथ न्याय हुआ और युवा धोखे का शिकार हुआ है? अब युवा जो हिमाचल प्रदेश का युवा है 2024 के चुनावों में उसका प्रतिकार और उसका जवाब देने को पूरा सज है और तैयार है, उसको पता है देश भर में गारंटी मात्र एक ही है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। इन सारी बातों को लेकर समाज में युवा